Hello students, welcome back to online classes. Now today we are going to learn exercise 12.1. In previous video we have learned about exercise 11.2 of some questions. Previous video में हमने 12.1 के कुछ question किए थे, जो question number 1 to question number 7 तक थे. I hope आप लोगों ने, सभी students को समझ आ गया होगा question number 1 से लेके 7 तक. आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन अ ईयर सीमा अर्न्स रुपीज 1,50,000 एंड सेव्स रुपीज 50,000. फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स एंड बी क्वेश्चन इज मनी दैट She saves to the money she spends. Okay student, ratio proportion में हमने previous video में बता दिया था कि ratio और proportion क्या होता है. अब उसी से related question है question number 8. Okay, अब question number 8 में कह रहे हैं कि सीमा की जो earn है, ठीक है, सीमा जो earn करती है वो है rupees, means वो कमाती है. सीमा जो है अर्न करती है, कमाती है 1,50,000 रुपीस. ओके, एंड सेव्स, और वो क्या करती है, बचाती है उस अर्न में, उस सैलरी, जो सैलरी कोई कुछ भी वो कमाती है, रुपीस कहीं से भी उसकी सैलरी है, कहीं से वो कोई बिजनेस करती है, जो भी है वो अर्न करती है 1,50,000 और उसमें से वो सेव करती है रुपीस 50,000. एंड फाइंड द रेशियो, अब हमने अर्न निकाल लिए हैं, सेव निकाल लिए हैं और अब हम इसमें करेंगे स्पेंड. अब स्पेंड क्या करती है वो, स्पेंड इक्वल, स्पेंड क्या है, जितना कमाती है उसमें से जो बचाती है उससे जो माइनस करके जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा, यानी उसका खर्चा आ जाएगा. 1,50,000 में से 50,000 वो क्या करती है, सेव करती है, तो आई थिंक वो उसका क्या हो जाएगा, स्पेंड कितना हो जाएगा, 1,50,000 में से 50,000 गए तो कितना हो जाएगा, 1,00,000. यानी जो सीमा की अर्न है 1,50,000 है, से 50,000 है, स्पेंड कितना है, 1,00,000. अब क्वेश्चन नंबर ए में पूछ रहे हैं कि मनी दैट सीमा अर्न टू द मनी शी सेव. सीमा जो अर्न करती है और जो सेव करती है उसका हमने क्या निकालना है, रेशियो निकालना. मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव, तो अर्न कितना करती है, सीमा जो अर्न करती है इसमें कितना है, 1,50,000 अपॉन सेव्स कितना करती है, सॉरी ये सेव्स का है, ये है 50,000, तो इसका रेशियो निकालेंगे. ओके, 4 0 से कैंसिल हो गए, 5 1 5, 5 3 15, तो यह 3/1 यानी 3:1. तो इसका जो रेशियो है किसका, अर्न और सेव का, वो आएगा 3:1. एंड बी क्वेश्चन इज मनी दैट शी सेव टू द मनी सी स्पेंड्स. अब वो जो सेव करती है सीमा, सेव्स एंड मनी सी स्पेंड, इन दोनों का रेशियो निकालना है. अब सेव कितना करती है 50,000 रुपीस एंड स्पेंड कितना करती है 1,00,000. ओके, अब 40 से 40 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, यानी 1/2 यानी 1:2. मीन्स जो सीमा का सेव और स्पेंड का रेशियो है वो है 1:2. ओके सर, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, देयर आर 102 टीचर इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देयर आर 102 टीचर इन अ स्कूल, क्वेश्चन नंबर 9 है. टोटल टीचर इक्वल टू कितने हैं, टोटल टीचर 102.
इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स, और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स इक्वल टू 3,300, ओके इतने तो यहाँ क्या है स्टूडेंट्स है. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब रेशियो किसका निकालना है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ओके तो इसका रेशियो निकालेंगे. टीचर्स का कितना है 102 है, एंड स्टूडेंट्स का कितना है 3,300 है. अब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10 एंड 0. यह है इतना कितना 1,650. अब ये दोबारा 3 से कैंसिल होगा, 3 से करेंगे, 3 1 3, 2 बचा से, 3 7 21, यह 3 5 15, 1 बचा इसमें, 3 5 15, 0, यह 550, यानी यह 17/550. अब इससे क्योंकि ये लोवेस्ट फॉर्म, इसके बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये लोवेस्ट फॉर्म है, यानी इसका रेशियो है 17/550. मींस जो टोटल टीचर्स और टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल टीचर और टोटल स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो आया 17:550. इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स 2,300 आर गर्ल्स. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड बी नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट, तो रेशियो और प्रोपोर्शन के ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, सेम एक ही जैसे क्वेश्चन से अगर आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन में कह रहे हैं इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में आउट ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स टोटल जो स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स आर 4,320, ओके एंड गर्ल्स आर, इसमें गर्ल्स जो है वो है 2,300, ओके अब इसमें गर्ल्स है इतनी, टोटल स्टूडेंट इतने हैं, तो बॉयज भी हम निकाल लेंगे, तो बॉयज आएगा इसमें, इस टोटल स्टूडेंट्स में से टोटल गर्ल्स का से माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 0, 2, 0 एंड 2, मींस जो टोटल बॉयज है वो आएगा 2,020, ओके अब ए क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनका हमने रेशियो निकालना है, तो हमने ये हमें पता है क्योंकि स्टूडेंट्स है, गर्ल्स है, बॉयज है, तो इसका रेशियो रखेंगे हम. गर्ल्स का कितना है 2,300 अपॉन टोटल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितना है 4,320, और आई थिंक आपको कैंसिल करना तो आ ही जाता होगा, ये क्लास में हमने हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में आया है, ये 10 से 10 कैंसिल, लास्ट में 0 और 2 है, यानी ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, या 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12. अब ये लास्ट इतने तक ही कैंसिल होगा, तो ये आएगा 115/216, मींस जो गर्ल्स और टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो आएगा वो आएगा 115/216, इसका रेशियो आएगा. ओके सर, अब क्वेश्चन बी में कहा है इसमें नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल द नंबर ऑफ गर्ल्स, बी पार्ट इसका है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स, इनका रेशियो निकालना है, तो बॉयज का कितना है 2,020 अपॉन गर्ल्स का कितना है 2,300, सेम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. अब इसमें क्या करना है, 2 है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो ये आएगा 1 2 1 2 0 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 5 10, यह 101:150, ये रेशियो है बॉयज और गर्ल्स. ओके एंड सी पार्ट इज नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ
टोटल स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? ये है टोटल स्टूडेंट. बॉयज का कितना है इसमें? 2020 अपॉन स्टूडेंट्स का कितना है? 4320. 10 से 10 कैंसिल. 2 1s are 2, 0 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12. ये आया 101:216. ये जो रेशियो है वो बॉयज रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके सर, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस. इफ अ स्टूडेंट्स कैन ऑप्टेड ओनली वन गेम, फाइंड द रेशियो. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स है, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स है, वो कितने हैं? 1800. ओके, एंड ऑप्टेड बास्केटबॉल, वो क्या है? बास्केटबॉल को ऑप्टेट करते हैं. बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेलते हैं कितने? 750 स्टूडेंट्स. एंड 800 ऑप्टेड क्रिकेट, और जो क्रिकेट को ऑप्टेट करते हैं वो है 800. एंड रिमेनिंग ऑप्टेड, अब रिमेनिंग मींस जो बच गए हैं स्टूडेंट्स वो टेबल टेनिस करते हैं, वो टेबल टेनिस ऑप्टेट करते हैं. तो टेबल टेनिस के लिए क्या ऑप्टेट करेंगे? रिमेनिंग मतलब जो बच गए हैं. टोटल स्टूडेंट है 1800, 750 और 800 को ऐड करेंगे, ये आएगा 0 + 5, ये आया 50. अब रिमेनिंग में क्या हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट्स में से 1550 को माइनस कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये 1550 जो है वो बास्केटबॉल प्लस क्रिकेट ऑप्टेट करते हैं स्टूडेंट्स, और जो रिमेनिंग मतलब जो बच गए, तो यानी टोटल स्टूडेंट्स में से जो बास्केटबॉल प्लस क्रिकेट ऑप्टेट करते हैं उसको माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा रिमेनिंग यानी टेबल टेनिस का. ये आएगा 0 और 0 यानी 10 - 5, 7 - 5 इन टू 3. मीन्स जो टेबल टेनिस ऑप्टेट करते हैं वो है 250 स्टूडेंट्स. ओके, अब क्वेश्चन है ए बी सी. अब क्वेश्चन ए में कहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड द टेबल टेनिस. इसका पार्ट ए है कि हमने फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से जो बास्केटबॉल और किसको? टेबल टेनिस, इसको ऑप्टेट करता है, उसका रेशियो निकालेंगे. तो बास्केटबॉल का है 750 अपॉन टेबल टेनिस का कितना निकाला? 250. अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 2 5s are 25. ठीक है, 5 1s are 5, 5 3s are 15. ये आया 3 upon 1 यानी 3:1. ये रेशियो है बास्केटबॉल और टेबल टेनिस का. अब बी पार्ट बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट एंड टू द नंबर ऑफ ऑप्टिंग बास्केटबॉल. इसका हमने क्या निकालना है? रेशियो. तो क्रिकेट है हमारा 800 एंड बास्केटबॉल है हमारा, बास्केटबॉल का है हमारा 750. ओके, अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5. ओके, 6 7 3 बजा, 5 6 30 एंड अभी आएगा हमारे पास 16 upon 15 यानी इसका रेशियो आया 16:15. एंड नेक्स्ट सी पार्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल
n to the total number of student, total number of students. Okay, and the basketball हमारा कितना है? 750 upon total number of students है 1800. 0 से 0 cancel, 5 से 5 1 से 5, 5 5 से 25 आएगा, 5 3 से 15, 5 6 से 30. ओके, तो ये इससे हो जाएगा. अभी 3 से कैंसिल हो रहा, 3 5 से 15 एंड 3 1 से 3, 3 2 से 6, यानी 5 अपॉन 12 अब कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका रेशियो आएगा 5:12. ओके सर, तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे कि आपका जो भी स्पोर्ट्स है या जो आपका दे रखा है, पहले तो आपने उनका लिखना है कि इतने नंबर्स है इसमें, फिर उसका रेशियो टू जो भी है आपके स्पोर्ट्स में, जैसे बास्केटबॉल या टेबल दिया है, क्रिकेट या बास्केटबॉल दिया है, या बास्केटबॉल या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो दिया है, तो वो नंबर आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, तब आपका ये इस तरीके से रेशियो फाइंड हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.